हाँ जी तो ये तो साबित हो ही जाता है कि भगवान बाप की आत्मा तो भारत में आई हुई है। नहीं लौकिक काम। हाँ हाँ बोल 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 बोल। लौकिक देह का काम है ना, देह की प्राप्ति तो एक ही जन्म की है और आत्मा की प्राप्ति अनेक जन्मों से है। तो अब प्रेफरेंस तो आप विनाशी देह को दे रहे हैं ना। जा सकते हैं। अरे कोई किसी को रोकेगा क्या? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। बता के जाएंगे। है? हम बता के जाएंगे, हम उसकी हत्या करेंगे तो हत्या का बोझ कम हो जाएगा ना। पड़ेगा, बड़ी मजबूरी है। और विदेश में जाना ये मजबूरी नहीं है। जबकि बाबा कहते हैं अभी भी देखा जा रहा है इराक में क्या हो रहा है, है? कैसा युद्ध चल रहा है भयंकर। जो जाने वाले विदेश में जाएंगे और लाखों रुपया देंगे तो भी वापस नहीं आ पाएंगे। क्योंकि विदेश की सेवा जरूरी है और भगवान भारत में आकर के सेवा करता है, वो सेवा जरूरी है? वो भी जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी बाद में देखा जाएगा। और है मधुवन और मिनी मधुवन का क्या फर्क है? है मधुवन और मिनी मधुवन। हाँ ये क्या फर्क है? और महामधुवन क्यों क्यों छोड़ दिया है? महामधुवन को तो बिल्कुल छोड़ दिया। जहाँ महान पार्ट बजाया जाए वो महामधुवन, जहाँ मधुसूदन पार्ट बजाए वो मधुवन, और मिनी मधुवन वो जहाँ थोड़ा सा पार्ट बजाया जा सके। और हाँ लौकिक में जो परीक्षा होती है तीन, दसवीं बारहवीं और पंद्रहवीं, ऐसे ज्ञान मार्ग में तीन परीक्षा आती है? हाँ ज्ञान मार्ग में तो चार योगों की शूटिंग होती है, चार योगों का सीन वाला ड्रामा है। तो कितनी बार परीक्षा होनी चाहिए? हर युग चार अवस्थाओं से पसार होता है, सत्व प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो। तो जब तामसी पीरियड से पसार होगा, अति तामसी बनेगा, तो अति का अंत होगा कि नहीं? फिर परीक्षा नहीं हुई। हाँ और बाबा कभी कभी योग लगता है शरीर एकदम मोटा हो जाता है, लेकिन बार बार ऐसी करने की कोशिश करो तो नहीं होता है। हाँ तो लेकिन क्यों नहीं होता है? यूँ नहीं होता है कि आपका एक ही जन्म का हिसाब किताब है कि 63 जन्म की रील घूम रही है।
है 63 जन्म की रील संगम युग में रिहर्सल में घूम रही है। रिहर्सल कहो, शूटिंग कहो, रिकॉर्डिंग कहो, तो जब जिन जन्मों में जब जब अच्छे कर्म किए हैं और वो रील घूमने लगती है अच्छे कर्मों की, तो अवस्था अच्छी बनेगी या खराब बनेगी? अच्छी बनेगी। और जिन जन्मों में जब जब खराब कर्म किए और वो रील संगम युग में घूमना शुरू होती है, तो अवस्था डाउन होगी या ऊंची उठेगी? तो इतना समझ में नहीं आ रहा है। और बाबा, ओ मामो जमुना दिंचो, गीता में लिखा है है? यमुना दिन है श्लोक तो है, लेकिन क्लियर पता चले क्या है? हाँ, मुझको आदि मानता है, अनादि मानता है, व्यक्त मानता है। हाँ, तो यही बात है कि एक ही है, इस सृष्टि का आदि भी मध्य भी और अंत भी एक ही है, जो आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है। हाँ, कौन है इस सृष्टि पर सदा कायम? कोई चीज है नहीं सदा कायम, एक शिव बाबा ही है, शिव बाप नहीं, शिव बाबा सदा कायम है। सदा में आदि भी आ जाता है, मध्य भी आ जाता है और अंत भी आ जाता है। और बाबा, आज के मुरली ने बताया शंकर कुछ नहीं करता है, शंकर कुछ करता ही नहीं, शंकर है नहीं, कुछ करता नहीं, लेकिन राम कृष्ण और शिव ये तीनों आत्माओं का कार्य तो चालू है ना शंकर द्वारा। हाँ, शंकर कैसा कुछ करता है? शंकर द्वारा तो कार्य चालू है। तो शंकर नाम दिया है, वो शरीर के ऊपर नाम दिया है या आत्मा सिर्फ के ऊपर नाम दिया है? तीनों आत्माएं उसे शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है, तो कार्य तो वही करता है ना फिर शंकर? अरे, एक आत्मा काम करती है, तीनों करते हैं मतलब शंकर ही करता है ना? फिर वही बात, शंकर माने मिक्स, पता ही नहीं चलता है उस समय कि कौन सी आत्मा कार्य कर रही है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो फिर ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि शंकर कुछ नहीं करता? अभी तो बताया करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या मन बुद्धि से करना धरना होता है? है मनबुद्धि से करना धरना होता है, शरीर द्वारा भी होता है ना? है, शरीर और मन द्वारा दोनों होता है ना, मन द्वारा भी। मनबुद्धि को आत्मा कहा जाता है, मनबुद्धि को आत्मा कहा जाता है या शरीर को आत्मा कहा जाता है? मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। तो फिर करने वाली कौन है? कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है, लेकिन कर्मेंद्रियों से कराने वाला कौन है? शिव बाबा करता है। सबकी कर्मेंद्रियों से शिव बाबा करता है। सबके नहीं बाबा। हाँ, ये बात तो शंकर के ऊपर चल रही है। शंकर के ऊपर चल रही है? अरे, शंकर तो इंद्रियों से काम करता ही नहीं, वो तो मनन चिंतन मंथन में सूक्ष्म स्टेज में रहता है। चलाने वाला तो वही है ना? चलाने वाला वही है, उनके द्वारा ही कार्य होते है ना। तो चलाने वाला जो चला रहा है वो पार्शलिटी करता है? फिर काम दिया है एक के द्वारा ही क्यों करता है?
अरे तीनों द्वारा करता है ना, तीनों द्वारा करता है तो तीनों को एक ही जैसा नरसिंह नारायण बना दे, एक को ही सबसे ऊपर बैठा दे या सबको ऊपर बैठा दे। लेकिन वो तो नंबर वाले हैं। किस बात पर नंबर बनते हैं? पुरुषार्थ के ऊपर। तो बस यही बात है कि मन बुद्धि का एकाग्रता का पुरुषार्थ ही सबसे ऊंचा है या इंद्रियों से करना सबसे ऊंची बात है? मन बुद्धि का पुरुषार्थ करता है इसलिए सबसे ऊंचा है, कोई पार्शलिटी की बात थोड़े ही है। बाबा अभी ज्ञान अमृत पी रहे हैं बाबा के द्वारा, तो जब छोटी मम्मी आएगी जो ज्ञान का अमृत कलश लेगी सर पर, तो क्या वो चंद्रवंशी देवी देवताओं को अमृत पिलाएगी? मना जो सूर्यवंशी रुद्रमाला के मणके हैं उनको नहीं पिलाया जाएगा। तो पी रहे हैं बाप द्वारा पी रहे हैं, बाप द्वारा पी रहे हैं वो काम करता है, दुर्योधन दुशासन द्वारा पी रहे हैं वो काम करेगा, या पवित्र कन्या माताओं के मुख से जो ज्ञान निकलेगा, गौ मुख से ज्ञान निकलेगा वो काम करेगा है? तो फिर पवित्र कौन होता है? पवित्रता से दुनिया के सारे कार्य होते हैं या बिना पवित्रता के हो जाते हैं? तो कन्याएं माताएं गाई हुई हैं स्वर्ग का गेट खोलने वाली, ब्रह्मा के द्वारा इतना भाग दौड़ का काम हुआ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा कुछ रिजल्ट निकला दुनिया में, सुनने सुनाने का कार्य इतना हुआ ब्रह्मा द्वारा, शंकर के द्वारा समझने समझाने का कार्य भी होता है, परिवर्तन हुआ है। कब होता परिवर्तन? जब प्योरिटी की पावर से प्रैक्टिकल होता है तभी परिवर्तन होता है, नहीं तो परिवर्तन हो नहीं सकता। और एक बार में क्लियर करते हैं, जाना जरूरी है, ये क्लियर करना और सिर्फ डायरेक्शन देना ये दोनों बातें अलग अलग हैं कि एक ही है? अगर कहें क्लियर कर दो तो क्लियर तो कर दिया, विदेशों में कल्याण होना है या स्वदेश में कल्याण होना है तो क्लियर नहीं किया। कुछ काम के लिए जाना चाहिए, काम महाशत्रु है, इच्छा मात्र अविद्या, इच्छा मात्र अविद्या बनने के लिए बोला है बाबा ने है। उसके बाद भक्ति नहीं कर सकते, जाके आने के बाद भट्टी नहीं कर सकते क्यों? एक बार जन्मे हैं बाप के घर में और दूसरी बार बाप के घर में जन्म लेकर मर गए, अनिश्चय बुद्धि बन गए, बाप इतना काम का चीज नहीं है जितना दूसरे काम की चीज है। तो बाप मर गया या जिंदा है? ऐसा नहीं वैसा नहीं, हाँ परमिशन लेके जा रहे, परमिशन लेकर के हम हत्या करने जा रहे तो पाप कम हो जाएगा हत्या का? और बाबा पाप क्या है और पुण्य क्या है ये समझ में आता है? दुख देना पाप है, मतलब बच्चों को भी डांटना चिल्लाना या किसी की गिलानी सुनना या कहना, कोई आता है दूसरे की गिलानी करता है, ये सब मतलब पाप क्या है और पुण्य क्या है ये समझ? गिलानी करने से दूसरी आत्मा को दुख नहीं होता? नहीं होता है तो पाप नहीं हुआ, मतलब छोटे मोटे क्या क्या पाप होते रहे? माने छोटे मोटे पाप नहीं होते, नहीं पाप क्या क्या होते रहते वो नहीं पता हमें, पाप क्या किसको पाप कहते? दुख देने को पाप कहते हैं और सुख देने को
पुण्य कहते हैं। और गहरा समझो, सदा काल का जिससे सुख हो वो पुण्य है, और अल्पकाल का सुख हो जाए और सदा काल का दुख हो जाए वो पाप हुआ या पुण्य हुआ? है पाप हो गया। और हाथ उठाओ, कन्या माता की बुद्धि रूपी धरनी। हाँ, बुद्धि रूपी धरनी पुण्य का क्या है? क्यों कन्या माता की बुद्धि क्यों हिलती है? जो प्रभावित हो जाए जल्दी किसी से तो उसकी बुद्धि हिलेगी या नहीं हिलेगी? है। और कन्या माता वे सबसे बड़ी कन्या माता कौन है? है जगदम्बा भी है, ब्रह्मा भी है। वो सुनने सुनाने का काम ज्यादा करते हैं या कम करते हैं? तो प्रभावित तो होते हैं या नहीं होते हैं? है। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। जो विदेशी आक्रांताएं आए, धर्म पिताएं आए, उनकी बात भी सुनने लगे। अपना जो मुख्य शास्त्र गीता शास्त्र है उस पर ध्यान ही नहीं दिया। जिसने जो सुनाया सत्य वचन महाराज, ठीक है कृपा ज्ञान सत्य है दयान ज्ञान, प्रभावित हो गए। तो प्रभावित होने वाला प्रजा बनेगा या नहीं बनेगा? प्रजा में ताकत होती है या प्रभावित करने वाले राजा में पावर होती है? तो क्या बनना चाहिए? है कैसे बनेंगे? प्रभावित नहीं होगा। निराधार राजा बनेंगे या आधार लेकर राजा बनेंगे? तो फिर प्रभावित होने की दरकार है। कन्याएं माताएं ही सबसे जास्ती प्रभावित होती है। और ये भारत देश मात्र देश है या नहीं है? दूसरे देशों के मुकाबले भारत देश मात्र देश कहा जाता है। यहाँ की माताओं की एक खासियत है, जो कनेक्शन में आया, संपर्क संसर्ग में आया, उसी से प्रभावित हो जाती। एक से सुनना चाहिए या अनेकों से सुनना चाहिए? एक के लिए फैसला कर लिया। भारतीय कन्या जीवन में एक के लिए फैसला करती है कि एक के आर्डर पर चलूंगी, एक को सहयोग दूंगी, या अनेकों के साथ एग्रीमेंट करती है। और ये भारत माताएं क्या करती है? ये भारत के देवताएं देवात्माएं क्या करती हैं? जो धर्म पिता आया उसी से प्रभावित होने लग पड़ते। है भूकंप का विनाश होता है तो ये भूकंप नहीं आएगा? भूकंप से ज्यादा विनाश। और बाबा, हाँ, जो अभी मोदी सरकार ने 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए, हाँ, तो उसका ज्ञान मार्ग में क्या क्या शूटिंग है? किस है यहाँ जो थोक पॉइंट है, ज्ञान के कुछ थोक पॉइंट है या नहीं? रामबाण पॉइंट है या नहीं?
वो रामबाण पॉइंट सबके पास मौजूद है, या सड़कों पे धरे रह गए? वो सिर्फ राम वाली आत्मा के पास है या सभी आत्माओं के पास है? तो हजार का नोट माने ज्यादा कीमत का, 500 नोट वो भी कीमत का। तो ये ज्ञान के पॉइंट भी कोई ज्यादा कीमत के हैं, कोई कम कीमत के हैं। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में इन नोटों के द्वारा जो ज्यादा कीमत के हैं, चोर बाजारी चल रही है कि नहीं चल रही है? खास करके बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में है, चल रही है। इसलिए है काला धन बाहर नहीं निकल रहा। अब काला बाहर निकलेगा तो चेहरा कैसा हो जाएगा? हार्ट फेल होंगे या नहीं होंगे? ऐसे ही है। और हाँ, शरीर को शत्रु क्यों बोल रहा है? है? शरीर को शत्रु क्यों बोल रहा है? शरीर को शत्रु कहा जाता है? शास्त्र क्षेत्र, इसको क्षेत्र कहा जाता है? शरीर को कुरुक्षेत्र बोलता है। गीता में जो श्लोक आया है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते, भगवान ने ज्ञान धन अर्जन करने वाले अर्जुन से कहा, इदम शरीरम, ये शरीर, ये रथ, हे कुंती पुत्र, ये शरीर रूपी रथ क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र भी है। इस शरीर के द्वारा धर्म युद्ध भी किया जा सकता है और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म भी किया जा सकता है। दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म फैले हुए, उन धर्मों को लेकर के अनेक प्रकार के कर्मकांड चल रहे हैं। जैसे हिंदुओं में मनुष्य मर जाता है तो उसको जलाते हैं, राख बना देते। मुसलमानों क्रिश्चियंस में मनुष्य मरता है तो उसको जलाते राख बनाते नहीं है, क्या करते हैं? जमीन में दबा देते, मिट्टी में। तो ये अपने अपने धर्म के अनुसार हो रहा है ना। धर्म के अनुसार जो कर्मकांड नियत किए गए हैं उनको लेकर के सब धर्म वाले उन कर्मकांडों के आधार पर, धर्म के आधार पर, धर्म की अलग अलग धारणाओं के आधार पर सारी दुनिया में युद्ध हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? इससे धर्म युद्ध और कर्म युद्ध, इसका मूल कोई एक है या नहीं है? है? कौन है? रथ है। तो भगवान ने बताया, इदम शरीरम कौन्तेय,
हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर रूपी रथ क्षेत्र है। क्षेत्र माना युद्ध भूमि है, इसमें धर्म युद्ध चल रहा है। हर मनुष्य के अंदर निगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार की धारणाएं चलती हैं कि नहीं चलती हैं। उन दोनों को लेकर के अंदर अंदर युद्ध भी चलता है कि नहीं चलता है। तो धर्म युद्ध भी है और उन धर्म की धारणाओं के आधार पर कर्म युद्ध भी खड़ा हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सव, ये दुनिया में फैले हुए अनेक प्रकार के धर्मों के युद्ध भूमि में, और उन धर्मों के आधार पर बनाए गए अनेक प्रकार के कर्मकांडों के आधार पर कर्म क्षेत्र में इकट्ठे हुए समवेता, ये युद्ध के लिए लालायित हुए पड़े हैं। ये महावारी महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हो, सत्य और असत्य का फैसला करने वाला। उस संबंध में जो नहीं समझता है क्योंकि अंधा है, वो प्रश्न करता है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया धर्म युद्ध में? कर्म युद्ध क्षेत्र में वो बताओ। तो इस कर्म युद्ध और धर्म युद्ध का जो मूल है वो सृष्टि का आदि पुरुष है, वो यज्ञ पिता है। उसी यज्ञ पिता के तन में भगवान बाप आकर के इस सत्य और असत्य के युद्ध का फैसला कराते हैं। तो पहले पहले कौन समझेगा है? कौन समझेगा? आदि पुरुष ही समझेगा। उपासना का अर्थ होता है ना, शिष्य जो है वो गुरु के पास आसन मार के बैठता है, उपमाने नजदीक, आसन माने बैठना। तो सदगुरु है भगवान बाप, उसके नजदीक नजदीक से नजदीक आसन मार करके कौन बैठता है? नंबरवार बैठने वाले हैं या सभी एक जैसे हैं? नंबरवार हैं। उनमें जो नंबर वन है उसी का शरीर रूपी रथ है, क्षेत्र है, युद्ध भूमि है, धर्म क्षेत्र भी है, कर्म क्षेत्र भी है। वो ही क्रेता है, वो ही क्रतु है, वो ही सामग्री है, वो ही योगाग्नि का अग्निकुंड है।
उस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया को स्वाहा होना। कौन भस्म होंगे, कौन बचेंगे है? कौन खलास होंगे, कौन बचेंगे? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत्य का कभी नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता, खलास ही नहीं होता। और असत्य को पांव नहीं होते, असत्य भाग खड़ा होता है। विदेशी आक्रांताएं भारत में इतनी बार आक्रमण किया, वो भगोड़े बने या स्थाई बने? भगोड़े बने, क्योंकि झूठे। सत्य तो एक ही है जो जन्मण के चक्र से न्यारा है, परंतु जो सत्य है वो बाहर कैसे आए? हैं? वो सत्य है जब अपना धाम छोड़ करके इस सृष्टि पर आता है तो किसके पीछे भागता है? हैं? अरे भाग के आता है कि नहीं आता है? आता है। तो जो पीछे पीछे भागता है वो आशिक है, या जिसके पीछे भाग रहा है वो आशिक है? है? जो पीछे पीछे भागता है वो आशिक है, जिसके पीछे भागा वो माशूक है। किस आधार पर? आत्माओं की स्थिति के आधार पर देखा जाए तो एक ही आत्मा सत्य है। राम की आत्मा सत्य है, है? अगर राम की आत्मा ही सत्य है तो असुरों का बाप कौन है? है? कौन है? रावण वाली आत्मा है? राम नाम सत्य बोलते हैं, वो अंत में बोलते हैं या बीच में बोलते हैं? तो सत्य तो तभी होगा जब वो अकेला ठहर जाएगा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और बाकी सब क्या हो जाएंगे? खलास हो जाएंगे। तो ऊंचते ऊंच बाप शिव आशिक बनकर के आता है तो किस आधार पर आशिक बनकर आता है? है? क्या सच्चाई? सच्चाई का प्रूफ क्या? पवित्रता शंकर में और विषपाई में। है? है? पुली गीता। क्या? पुली गीता। पुली गीता? पुली गीता? पुली किताब। खुली किताब। हाँ, ईश्वर ने जो पढ़ाई पढ़ाई उस पढ़ाई को
जन्म जन्मांतर कायम रखने के लिए प्रयास कोई तो करता होगा है? कोई नहीं, जो करता है उसे द्वैतवादी दुनिया जब द्वापर युग होता है तब से द्वैतवादियों के मुकाबले युद्ध करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? है? करना पड़ता है, या बौद्धियों की तरह हाथ खड़े कर देना है? युद्ध करना पड़ता है, लगातार युद्ध करना पड़ता है, या कोई जन्म में करना पड़ता है कोई जन्म में नहीं करना पड़ता है? लगातार संघर्ष करना पड़ता है। तो जो जन्म जन्मांतर लगातार संघर्ष करेगा, ब्रॉड ड्रामा में शूटिंग पीरियड में भी लगातार संघर्ष करेगा या नहीं करेगा? तो जो सत्य के लिए संघर्ष करता है, और सत्य एक गॉड फादर ही कहा जाता है, गॉड फादर इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, गॉड और कुछ नहीं है। ज्ञान कहो, सच्चाई कहो, सच्चाई का ऐसा अकूट भंडार कहो जो कभी फूटता ही नहीं, उस ज्ञान के भंडार में से कोई सारा का सारा निकाल ले तो भी संपूर्ण ही बचेगा, या फूट जाता है तो वो सत्य है। राम वाली आत्मा को सत्य कहेंगे है? कि संघर्ष करते करते कमजोर हो जाती है, है? विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष करते करते आखिरी अंतिम जन्मों में वो आत्मा और इसके सारे ही भांति विदेशियों से प्रभावित हो जाते हैं या नहीं प्रभावित होते हैं? है? नंबर वार माया सबको नहीं पढ़ी लेती है? है? एक ही लिए तो होना चाहिए। वो एक तो मुकाबला ही करने वाला है, बाकी उसके सारे परिवार को, सूर्यवंशी परिवार को माया अच्छी तरह से पढ़लती है या नहीं पढ़लती है? तो फिर कोई सहयोगी रहता है? नहीं है। वो तो फिल्मी गीतकारों ने भावना में आके गीत बनाए दिए। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा गैर तो गैर हुए, अपनों का सहारा न हुआ। गलत बात है, है? बम्बैया लोगों ने ड्रामाबाजी की है, सच्चाई नहीं है, है? तो सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान में अगर सच्चाई नहीं है, अंश मात्र भी झूठापन भरा हुआ है, तो कहते हैं सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही हो जाता है। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो ये तो शांति धाम पहुँच जाओगे, और नहीं तो याद करोगे तो सुल्तान पहुँच जाओगे।
तो सुविधा और शांति का बना सकते हाँ ठीक है ना, तो मुझे याद करोगे तो शांति धाम पहुँच जाएंगे। हाँ शांति धाम अलग से बना रहे हैं, अभी भी शांति धाम बन रहा है। बन रहा है बनेगा आगे चल के, ऑलरेडी है। नहीं अभी जाएंगे तो अनुभव होगा ना, जाएंगे तब आपको अनुभव होगा या शिव को भी। तो फिर और आशिक और माशुक की जो बात आती है, शिव आप सत्य है तो माशुक आशिक है, माशुक झूठ है तो उसके माशुक सत्य है और आशिक भी सत्य है, तो दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। तो सत्य एक होता है इम्प्रैक्टिकल और एक होता है, आप किसको प्रेफरेंस देंगे? आशिक जो है जन्म मरण के चक्र में ना आने वाली ज्योति बिंदु आत्मा का नाम है। प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है या बिना शरीर के होता है, उसको शरीर है ही नहीं। तो प्रैक्टिकल सत्य है या इम्प्रैक्टिकल सत्य है? मास्टर ऑफ नॉलेज है या सिर्फ ज्ञान का सागर है? मास्टर उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल करके दिखाए। तो प्रैक्टिकल करने के लिए उसे कोई ढूंढना पड़ेगा ना, आधार नहीं ढूंढना पड़ेगा, आधार ढूंढना पड़ता है। और वो आधार हर मनुष्य आत्मा में नहीं मिलेगा, जो आदि से लेकर के अंत तक संघर्ष करता रहे। युद्ध में खून बहता है तो कमजोरी आती है या नहीं आती है? ये भी आत्मा के संकल्पों का खून है। सत्य सत्य का युद्ध में ये खून बहता है संघर्ष होने से, तो दोनों तरफ कमजोरी आती है या एक तरफ कमजोरी आती है? दोनों तरफ आती है। हाँ जिसने उस अखूट सत्य को पकड़ा हुआ है, पहचाना हुआ है, वो खलास होगा कभी? होगा नहीं होगा? विश्वासम फलदायकम। आज की दुनिया के जो मरीज होते हैं उनको भी डॉक्टर कहते हैं विश्वास करेंगे तो फल अच्छा होगा, नहीं तो वो कोई भी डॉक्टर कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो कोई भी भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ एक ही आत्मा है। एक बुद्धि वाले और हिम्मत वाले बच्चे कैसे बनते हैं? हिम्मत है हीन बनना और हिम्मत वाला बनना। पूर्व जन्मों से कनेक्टेड बात है या बिना पूर्व जन्मों के ऐसा हो सकता है? है
इसलिए कहा जाता है ड्रामा। और बाबा ध्यान में काला धन किसको कहा जाएगा? ध्यान मार्ग में जो दुरुपयोग करते हैं, धृतराष्ट्र धर लिया है जिन्होंने, राष्ट्र माने धन संपत्ति, वो धन का दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं, है? ऐसे यहां भी है। ज्ञान तो बहुत उठाते हैं, प्रकांड विद्वान बन जाते हैं ब्राह्मणों की नजर में भी, दुनिया वालों की नजर में भी, लेकिन दुरुपयोग ये करते हैं कि जिसको भी ज्ञान सुनाते हैं अपना बना लेते हैं। भगवान बाप का नहीं बना पाते, अपना चेला बनाएंगे, अपने डायरेक्शन पर चलाएंगे, भगवान बाप का पूरा परिचय नहीं दे सकेंगे। तो ये ज्ञान का दुरुपयोग है या सदुपयोग है? दुरुपयोग है। एक माता का सवाल है कि द्वापर से राम की आत्मा जो विधर्मी आत्मा से युद्ध करते करते हार जाती है, अंत में ना हार जाती है, आखिरी जन्म में हार जाती है, आखिरी जन्म में हार जाती है, माया के अधीन हो जाती है अष्टदेवों की तरह, अधीन हो जाती है तो कैसे कह दिया हार जाती है? माता को समझाओ कि एक ही आत्मा तो है, देहम वा पात्यामि कार्यम वा साध्यामि, देह बलि चली जाए आत्मा तो रहेगी ना, तो आत्मा रहेगी तो ब्रह्म राक्षस बन के काम करूंगा। बाबा हाँ, किसी ने कोई जब बीमार रहता है, शरीर जैसे कमजोर रहता है, बीमार ही रहता है, तो उसको डॉक्टरों दिखाने में दवाई से विश्वास नहीं रहता है, विश्वास नहीं होता है, हाँ, दिखाऊं फिर ठीक होगा कि नहीं होगा, विश्वास नहीं रहता, नहीं जाता है, तो उसको वो समझता है कि रूहानी डॉक्टर भी है, अविनाशी वैद्य भी है, आया है बाबा, अविनाशी वैद्य भी है। रूहानी डॉक्टर रूह का डॉक्टर है या जिस्मानी डॉक्टर है? उसका विश्वास उसमें है, फिर भी उसका विश्वास है उसमें। अरे उसका नाम क्या है, रूहानी डॉक्टर है या जिस्मानी डॉक्टर? रूहानी डॉक्टर आत्माओं का डॉक्टर, आत्माओं का डॉक्टर, तो आपकी मन बुद्धि को सुधारेगा या आपकी देह को सुधारेगा? मन बुद्धि सुधरेगी तो देह भी सुधरेगा, उसको विश्वास है तो देह भी सुधर जाएगा, मन बुद्धि सुधर जाएगी, तो रूहानी डॉक्टर भी है, अविनाशी वो वैद्य भी है, सर्जरी करने वाला तो वो आत्मा की सर्जरी करता है या देह की सर्जरी करता है? बाबा विश्वास तो है ना, तो वो कहीं दिखाने की इच्छा, ये भी तो देखना है कि विश्वास है या अंधविश्वास। विश्वास है। अरे विश्वास, अंधविश्वास किसे कहा जाता है? अंधविश्वास कहा जाता है जिसका प्रूफ और प्रमाण नहीं होता है, ऐसे ही मान लिया। ऐसे मान लिया, अनुभव होता है कि हाँ वो क्या अनुभव हुआ, तो जो दीदी दादियाँ 78-79 साल से उस वैद्य जिसकी आप बात कर रहे हैं, रूहानी वैद्य, उसकी परवरिश ले रही है, उनका हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रह्मा बाबा का ही हार्ट अटैक हो गया, तो शरीर सुधरेगा? पक्का विश्वास, फिर वही पक्का विश्वास, माने ब्रह्मा बाबा को पक्का विश्वास नहीं था, मतलब बाबा को नहीं पहचाना, हैं? बाप को नहीं पहचाने ना। अच्छा आपने पहचान लिया? तो पहचान गया था तो आपने पहचान लिया माने पक्का है, देखो पक्का है, पूरी पब्लिक के सामने कह रहे हैं कि हम माया के
जो फाइनल पेपर होगा उसमें हम फेल नहीं होंगे। बाबा बाद में पता नहीं, बाद में पता नहीं। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ विदेशी आक्रांता का, तो वहां के पंडे पुजारियों ने लहर फैला दी, सोमनाथ भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे और अपनी भी रक्षा करेंगे, कुछ करने की दरकार नहीं है, कोई संगठित सेना बनाने की दरकार नहीं। फिर क्या हुआ? ऐसे ही आपकी बात है। अभी आए हैं ना बाबा? हाँ आए हैं बाबा, लेकिन बाबा नहीं आए हैं, बाबा गुप्त में पार्ट बजा रहा है, गर्भ के अंदर है, पेट में, पता नहीं बच्ची पैदा होगी कि बच्चा पैदा होगा या जानवर पैदा हो जाएगा। इसे देखता है ना? है? गुप्त में से देखता है। किसको देखता है? आपको खास देखता है क्या? सबको देखता है। हैं? सभी को देखता है, जिनको सब। आपको खास देखता है। देखता है ना? बाबा ने बोला है मोर के बारे में, है मोर की पवित्रता के बारे में। हाँ ने बोला है तो वो सदाकाल के लिए पवित्र है क्या? है माने कभी ऐसा भी होता है कि अपवित्रता से बच्चा पैदा करता है? हाँ। ऐसा है? ऐसा है क्योंकि बाबा का संदेश बता रहे थे तो किसी ने वो इंटरनेट से सीधा वीडियो सामने रख दिया। हाँ मोर का। हाँ तो इसलिए ये बात मतलब क्या निकला वीडियो में? उसका सब विवरण मतलब बताया उसने। क्या बताया? तुम्हारे कान में बताया या सभी को बताया? सामने बताया आंखों के सामने। आपके लिए भगवान हो गया वो? नहीं नहीं बाबा, तो ये मतलब पिछले ये मतलब ही है, रंग है। भगवान के महावाक्यों को, ब्रह्म वाक्यों को दुनिया में कोई नहीं है जो काट सके। ये आप हैं जो सबकी सुनी सुनाई बातों में विश्वास कर लेते हैं। तो वीडियो नकली होगा? वीडियो दिखाओ ना। बड़ी सभा में बोलना आसान है या वीडियो में दिखा करके साबित करना आसान है? और वीडियो भी तो आजकल चेंज कर दिए जाते हैं। हमने देखा है सामने वीडियो, मतलब उन्होंने बताया। तुम वीडियोग्राफर हो? जब आप वीडियोग्राफर नहीं है तो वीडियोग्राफर्स की हथकंडे को आप जानते ही नहीं है, इसलिए वीडियोग्राफी को आज कोर्ट पक्का नहीं मानती, क्योंकि उसमें तब्दीली कर दी जाती है। हर बात के ऊपर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना पक्के प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। आपने कैसे मान लिया? माना तो नहीं है। क्यों पूछ रहे? बाबा के बरखिलाफ बात करने वाले को मुरली में क्या बोला? श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय। इतनी बड़ी सभा में बोल रहे हैं, बहुतों को निश्चय बैठ जाएगा, अरे वीडियो में आया होगा तो जरूर सच्चा होगा, बाबा जरूर झूठा है। अरे अभी भी पक्का नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपको पहले से ही विश्वास नहीं था कि बिना कामेंद्रियों पर जीत पाए सृष्टि पैदाइश नहीं हो सकती, या हो सकती है? ऐसी देवताई सृष्टि हो सकती है जहां कामेंद्रियों का उपयोग न हो? आपको वो वीडियोग्राफी का प्रूफ मिलने से पहले आपकी बुद्धि में कहीं संशय तो नहीं था? नहीं नहीं हमारे ना ना ना
चलो माता जी पूछ रही है। हाँ माता ने तपस्या की है 300 साल तपस्या करने के बाद है। अनुसुईया माता ने 300 साल तपस्या करने के बाद 3 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। ब्रह्म विष्णु शंकर ये यात्री के बच्चे थे। आ माने नहीं त्रि माने ब्रह्म विष्णु शंकर जो तीन नहीं है। कौन नहीं है तीन? शिव नहीं है तीन, वो यात्री है। उसकी अनुसूया जिसे किसी के प्रति असूया द्वेष ईर्ष्या नहीं होती उसका नाम अनुसूया पड़ा। ईर्ष्या द्वेष किस में नहीं होता है? पवित्र में या अपवित्र में है? पवित्र में नहीं होता पक्का है? है पक्का है कि जो पवित्र होगा पवित्रता के प्रति जिसकी आस्था पक्की होगी जन्म जन्मांतर की पक्की होगी उसमें दूसरों के प्रति असूया माने ईर्ष्या द्वेष नहीं हो सकता। और जिसमें असूया नहीं है दूसरों के प्रति वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। उनको भी बच्चा बना लिया। ब्रह्मा विष्णु और शंकर नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने वाले नहीं है। नई दुनिया का फाउंडेशन पावरफुल आत्मा लगाएगी या कमजोर आत्मा लगाएगी? है कौन लगाता है? कौन है पावरफुल? राम वाली आत्मा दुर्योधन दुशासन है। अरे शिव बाबा भी तो पुरुष तन में है तो दुर्योधन दुशासन का रूप हुआ ना इस दुनिया में है। हाँ जी जिसके प्रति जिसके अंदर कोई के प्रति ईर्ष्या देश नहीं आता है सब भगवान के भांति हैं। सब भगवान के बच्चे हैं। सबका अधिकार है भगवान बाप एक से प्राप्ति करना अनेक जन्मों की प्राप्ति करना सर्व संबंधों की प्राप्ति करना। अगर ये भाव नहीं है तो असूया वाला कहेंगे प्योरिटी से ही स्थापना होती है। बल विष्णु के द्वारा स्थापना है गाई जाती है लेकिन फाउंडेशन पहले पड़ता है या पहले महल बन जाता है? तो अव्यक्त बाप दादा ने बोल दिया क्या? बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया का है सौगात दी है। नई दुनिया में आना जाना करते हो ना तो क्या वैष्णवी देवी आ गई है? नहीं आ गई। और हाँ जी है मदद करते तो किसको? हाथ उठाओ। आत्मा को मदद दे। हाँ हाँ इसका अर्थ जो हिम्मत करेगा ईश्वरीय सेवा की तो बाप आकर वाचा की मदद देंगे, बाप आकर दृष्टि की मदद देंगे, बाप आकर के वाइब्रेशन की मदद देंगे। और जो समझाने वाला कमजोर आत्मा है लेकिन अगर हिम्मत करता है पावरफुल को समझाने की
तो बाप हर प्रकार की मदद देकर उस आत्मा को विजयी बनाएंगे। ऐसा होता है, ये पॉइंट तो हम जानते ही नहीं थे, ये पॉइंट हमारे से कैसे अचानक निकल गया। और नारायण के ऊपर कोई दाग नहीं है, नारायण के ऊपर कोई दाग नहीं लगता है। हाँ जी, कोई दाग नहीं है। हाँ, तो शास्त्रों में बताया कि वृंदा का सतीत्व लड़ाई की मूर्ति अर्जुन का। वो नारायण की बात नहीं है, विष्णु की बात है। हाँ जी, नारायण एक आत्मा का नाम है और विष्णु कॉम्बिनेशन का नाम है। विष्णु में कई आत्माओं का कॉम्बिनेशन का पार्ट है, मिक्स पार्ट है। बाबा, कोई आत्मा है शरीर छोड़ना चाहती है, फिर भी उसका शरीर नहीं छूटता है। हाँ, कोशिश करते तो भी नहीं छूटता है। अब कोई आत्मा जीना चाहते है, उनको जीने नहीं देते हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, विधाता ने संगम युग में ये सारी बातें आपकी आत्मा में भर दी, रिकॉर्ड हो गया। कहा जाता है विधाता ने भर दी, लेकिन आपने स्वयं ऐसे कर्म करके इन बातों को अपने अंदर भर लिया या विधाता ने भर लिया? हमने खुद ही भर लिया। कितने अच्छे अच्छे आदमी काम करते करते मर जाता है, उसका यश नहीं होता। और बुरे बुरे काम करने वालों का मैं यश हो जाता है संसार में। और ऐसे कलयुग में ही होता होगा ना? है, ऐसे कलयुग में ही होता होगा ना? उल्टे युग में ही उल्टा काम होगा या सत्य युग में है झूठा काम होगा? आसक्त माने किसी के ऊपर प्रभावित हो गए, अनासक्त माने प्रभावित ही नहीं हुए, कोई प्रभाव उसका पड़ता ही नहीं। बाबा, अभी जो अवेकवान चली थी ने, तो उसमें बाबा बता रहे थे बाबा ने कि बाबा जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली में बात कर रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा मना ब्रह्मा की सोल जो बातें बताती है वो सूक्ष्म वतन की बात बताती है, सूक्ष्म वतनवासी के पार्ट की बात बताती है, या माउंट आबू में बोलती है तो माउंट आबू की ही बात बताती है? तो वो ही बताया कि बाप दादा किसे कहा जाता है, बाप कौन सा पार्टधारी और दादा कौन सा पार्टधारी, दोनों आत्माएं अलग अलग हैं या एक ही है? अलग अलग आत्माएं हैं और उनका व्यक्तित्व एक है या अलग अलग है?
तो कौन है बाप और कौन है दादा? है राम वाली आत्मा बाप, क्योंकि उसमें ही मुकर्रर रूप से शिव बाप पार्ट बजाते और दादा माना 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता बड़ा भाई। तो दादा दादागिरी दिखाता है या बाप बापगिरी दिखाता है? तो बोला जाता है बाप दादा। खुदा न खास्ता बाप अगर शरीर छोड़ता है तो सारी सत्ता किसके हाथ में आती है? दादा के हाथ में आती है। अब राम वाली आत्मा पुरुषार्थ कब पूरा करती है? कोई टाइम लिमिट बताई है क्या? 40 वर्ष। तो पुरुषार्थ पूरा करेगी तो देह का पार्ट बंद हो जाएगा या चालू रहेगा? देवान खलास, तो देह का पार्ट भी खलास। फिर वो देह रहेगी या नहीं रहेगी? फिर कौन उसके द्वारा पार्ट बजाएगा? है है कौन? अरे वो तो प्रैक्टिकल में देह को त्याग दिया, आत्मा बन गई, आत्मिक स्थिति में स्थित हो गई। बाप आया ही इसीलिए, किस लिए? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाने के लिए। तो देहभान ही खलास हो गया तो आत्मा ही तो बची। आत्मा परमधामवासी होकर के रहेगी या इस सृष्टि पर रहने वाली बनेगी? फिर उस शरीर में कार्य कौन करेगा? है दादा की आत्मा काम करेगी। संगमयुगी कृष्ण की आत्मा काम करेगी। लेकिन नियम ये है कि जिसका शरीर होता है उसका ही नाम पड़ता है, जिसका शरीर ही नहीं उसका नाम नहीं पड़ता। इसलिए संसार में गाया जाता है। और बाप दादा की बात हो रही थी, बाप राम प्लस शिव, शिव प्लस राम बाप, और दादा है कृष्ण वाली ओर, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा। ये दोनों एक ही शरीर में कॉम्बिनेशन है। इसी कॉम्बिनेशन को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अभी ब्राह्मण परिवार की पालना करने वाला कौन? सिर्फ माँ या सिर्फ बाप? दोनों हैं। और बाबा ये बात तो पूरा दिल्ली की बात की बाबू है, दिल्ली की बात की है, तुम दिल्ली में बैठे हो तो बाप दादा की बात बता रहे हैं ना। बाप दादा माने कौन सी आत्मा हुई? बाप दादा ने माने व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कौन है? अरे तो कहाँ पार्ट बजा रही है? तो परंतु वो लोग उसको कन्वर्ट कर दिए कि अभी तुम इधर निर्भर भाई बार बार बोल रहे थे। वो बाप दादा राम वाली आत्मा के थ्रू मानते हैं, जानते हैं,
जो कन्वर्ट करने वाले हैं बात को, वो बाप दादा के रहस्य को जानते हैं। बाप दादा शब्द को क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो निर्गर भाई तीन बार बोले, बाप दादा आप यहाँ बैठे हो, शांति भवन में बैठे हो, दिल्ली में नहीं। जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है वो अज्ञानता की बात ही करेगा या समझने की बात करेगा? तो बाप दादा सच्चे या निर्वैर भाई सच्चे? बाप दादा सही बोल रहे थे। मुनिवेन में कितना बार ऐसे ही बताइए उनको, सबको आप यहाँ बैठे हो दिल्ली में नहीं, बार बार उन लोग दोनों ही ऐसा कन्वर्ट करो। इंटरफियर करने वाली बात को छोड़ देना चाहिए। बहुत जो बीच में आए थे जिज्ञासु, सब नाराज है कि ये सब माइक बीच बीच में क्यों छीनते ले रहे बाबू बैठे सर। हाँ, तो उसके अर्थ को नहीं जानते हैं तो छीन रहे हैं, और जो नाराज हो रहे हैं वो जानते हैं, वो भी तो नहीं जानते। एक भाई बाहर मिले, बोले हम आएंगे यहाँ आएंगे, ये कुछ तो राज है इसके अंदर। कहाँ आएंगे? एडवांस में आएंगे। हाँ, तो उन्हें गौर गहराई से समझाया नहीं? समझाया ना सर। अच्छा, फिर आए नहीं? नहीं नहीं आएंगे बोले। अच्छा बाबा। हाँ, इस सृष्टि इस दुनिया में सृष्टि रच में कुछ लोगों का बाबा उद्देश्य अच्छा है काम करने का, फिर भी उनके उनके साथ गलत क्यों हो रहा है बाबा? डॉक्टर का उद्देश्य क्या है? पेशेंट को अच्छा करना है। पेशेंट को अच्छा करना, अच्छा करना। वकील का उद्देश्य क्या है? जो किसी की काम बाकी उसको पूरे करके देना। अच्छा, इंजीनियर का उद्देश्य क्या है? दुनिया को आगे लेके जाना है, मानवीय दुनिया को आगे लेके जाना। हाँ, और वैज्ञानिक जो एटमिक एनर्जी तैयार कर रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है? विनाशील बुद्धि के लोग हैं, उनसे बचाना मानवीय दुनिया को। तो बच रहे हैं? नहीं बाबा, और डॉक्टरों की डॉक्टरी से सफा मिल रही है, इंजीनियर्स की इंजीनियरिंग पावर से कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि मेंटेलिटी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है? दोनों भी चीजें साथ साथ चल रही बाबा है। दोनों भी चीजें साथ साथ चल रही है। दोनों चीजें क्या? कुछ डेवलपमेंट भी हो रहा है और उसका नुकसान भी हो रहा है। अच्छा, माना जो एटमिक एनर्जी तैयार हो रही है उससे डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है? कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। हाँ, वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, डिस्ट्रक्शन नहीं है। डिस्ट्रक्शन होना ही है, तो डिस्ट्रक्शन करना है या कंस्ट्रक्शन करना है? डिस्ट्रक्शन करने वालों को ज्यादा पैसा मिलता है, मकान तोड़ने वालों को ज्यादा पैसा मिलता है या मकान बनाने वालों को ज्यादा, मिस्त्रियों को ज्यादा पैसा मिलता है, इंजीनियर्स को? तो कंस्ट्रक्शन करना अच्छा है या डिस्ट्रक्शन? दुनिया में लगातार मेंटेलिटी का कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है? तो सब फेल है ना। पर कुछ कुछ लोगों की भावना अच्छी मत बाबा, अंधश्रद्धा है, अंधी भावना है या श्रद्धा विश्वास अच्छी भावना है? अंधविश्वास। क्यों? क्योंकि वो देह का आलोड़न कर रहे हैं, भौतिकवादी बन रहे हैं। पंचभूतों से बनी हुई जो देह है उस देह के पीछे पड़े हुए हैं, देहभान के पीछे, देह के सुख के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए वो साफ फेलियर है। पौधे को ये जड़ और बीज में पानी देने से सरसब्ज होगा, फलीभूत होगा, या पत्तों को पानी देने से फलीभूत होगा? तो ये जो इतने मरीज हैं हॉस्पिटलों में पड़े हुए, ये पत्ते हैं या बीज हैं? फिर इसलिए ये कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, भौतिकवादी पंचभूतों के पीछे पड़े हुए हैं।
आत्मा को सब भूले हुए हैं। भगवान ही आकर के सही रास्ता बताता है और सही रास्ते पर चलना भी है सारी दुनिया को। कोई पहले चलेंगे, कोई बाद में चलेंगे। हाँ जी बाबा, माउंट आबू में जो सेवा चल रहा है, गावड़े में बहुत गरीब लोग हैं जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो वो चाहते हैं कि वहाँ गीता पाठशाला खुल जाए या अपना सेंटर खुल जाए, तो वो वहाँ के ज्ञान सुनेंगे, तो उसके लिए गीता पाठशाला खुलना खोलो खोलो एक मकान किराए पे लेके गीता पाठशाला खोलो। बम्बे से कोई तैयार नहीं हो रहा है, यहाँ से कोई योगल जुड़ा तैयार नहीं हो रहा जाने के लिए, तो तैयार करो। अगर दूसरी कोई प्रांत से आ रहे तो है, दूसरी कोई बाहर से आ रहे तो कहीं से भी आ जाए, तैयारी तो करो। बाबा, शिव की जो अष्टमूर्तियां हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश और मन रूपी चंद्रमा बुद्धि रूपी सूर्य और अहंकार रूपी याजक, तो बाबा मन रूपी चंद्रमा और अहंकार रूपी याजक किसको कहेंगे? है मन रूपी चंद्रमा और अहंकार रूपी याजक। हाँ, मन रूपी चंद्रमा और बुद्धि सूर्य और जो सूर्य है जिसे ईशान कोण में ईश्वर के रूप में दिखाया है, वहाँ चंद्रमा भी है और बुद्धि भी है। हाँ बाबा, जो अष्टमूर्तियाँ जो दिखाया गया है, हाँ, अष्टमूर्तियाँ, हाँ, तो उसमें मन रूपी चंद्रमा और मन रूपी चंद्रमा ब्रह्मा को कहेंगे बाबा? हाँ जी, तो उसमें ब्रह्मा बाबा कैसा है? हाँ, अष्टमूर्ति में नहीं आएगा ना बाबा? ब्रह्मा अष्टमूर्ति में नहीं आएगा, शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया ना, हैं? और राम वाली आत्मा भी संपन्न होने पर शरीर छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी? है नहीं छोड़ेगी, शरीर धारण करके रहेगी, है निराकारी स्टेज में शरीर का काम कौन करेगा फिर? हो गया ना अहंकार रूपी याजक। हाँ, वो अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? आत्मिक स्थिति के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? नहीं नहीं, असुर बैठा हुआ दिखाया गया है धर्मराज के पास, नहीं देखा? तो हो अष्टमूर्तियों में जो ईशान कोण में शिव की मूर्ति दिखाई गई है, उसके जस्ट अपोजिट में निकलते ही क्या नहीं माने? नहीं, नकारात्मक कृति माने कार्य। वो कौन से धर्म की आत्मा हो? अहंकार रूपी याजक का पार्ट, वो ही देह अहंकार है। और सारे सृष्टि का जो बीज है उसमें सब कुछ है या नहीं है? है, सब कुछ है। और बाबा, लेकिन अलग से ऐसा पार्ट बजाने वाली आत्मा जो अहंकार, कुछ कार्य जो होते हैं व्यक्त में होते हैं और कुछ कार्य अव्यक्त में होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जैसे विषय विकार है, नारायण वाली आत्माओं में सत्युग त्रेता में वो गुप्त रहेंगे या प्रत्यक्ष रहेंगे? बस गंधर्व और यक्ष का मतलब क्या होता है? गंधर्व कहते हैं गायन करने वालों को, यक्ष राक्षस, ये योनिया कही गई है मनुष्यों की अनेक प्रकार की जो अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड है। और बाबा बेसिक वाले लोगों के साथ एडवांस है, बेसिक वाले लोग साथ माउंट आबू जा सकते हैं, तो अप्रैल में बाप दादा आते हैं ना, हाँ, तो बोलते हैं कि चलना है, जैसे गीता पाठशाला जाते कभी कभी, हाँ, तो बोलते चलना है आप लोगों को, हाँ,
तो जा सकते कि नहीं जा सकते? हाँ, कोई आपको विदेश ले जाए तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? हो माता, आपको विदेश ले जाने के लिए तैयार है? विदेश नहीं जाना है। हाँ, माउंट आबू की बात है। माउंट आबू में क्या है? कई बाप दादा आते हैं ना। बाप दादा आते हैं? और बाप दादा कहते हैं बाप दादा दिल्ली में बैठे हैं? आप कहते हैं बाप दादा माउंट आबू में आते हैं? अब आप सच्चे या बाप दादा सच्चे? और एडवांस ज्ञान क्या कहता है? बाप दादा का खास काम अभी दिल्ली में है या माउंट आबू में है या अहमदाबाद में है? कहाँ है? दिल्ली में। राजधानी तो दिल्ली में स्थापन होनी है। सब बच्चे हैं? सब बच्चे भगवान के हैं, मानते नहीं है भगवान को? बच्चे भगवान के हैं? भगवान के रूप होते हैं तो बच्चे बाप के नहीं मानते? अच्छा, एक माँ बाप के घर में 10 बच्चे हैं, एक कांग्रेस पार्टी को वोट देता है, दूसरा बसपा को वोट देता है, तीसरा तृणमूल को वोट देता है, 10 पार्टियों को 10 बच्चे वोट दे रहे हैं, और बाप जो है जनता पार्टी को वोट देता है, तो बाप के असली बच्चे कौन है? कोई नहीं है। फिर जो बाप की बात माने वो बाप का बच्चा, माता पिता की बात न माने तो माता पिता का बच्चा ही नहीं है, फालतू मोह रखा हुआ है। हो कल बढ़ापे में तुमको घर से बाहर निकाल देंगे, सब कुछ लेकर के कहेंगे सब कुछ हमारे नाम कर दो, हम तुम्हारी अच्छी परवरिश करेंगे, चिंता छोड़ो। फिर जब कर देंगे तो निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते? तब लड़का पड़का कहाँ गया? बाबा, इस श्लोक में लिखा था द्वापर युगी ऋग साम छंद वेदों को जानने वाले गंधर्व और यक्ष। हाँ, गंधर्व और यक्ष रखेंगे क्या? यक्ष रक्षान से, जो यक्ष होते हैं वो राक्षसों से श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए यक्ष का नाम पहले, राक्षसों का नाम बाद में। शरीर के आधार पर नाम पड़ता है? हाँ, शरीर के आधार पर नाम नहीं पड़ते हैं। शरीर के द्वारा जो काम किया जाता है उस काम के आधार पर नाम पड़ता है। हाँ जी, है राम रावण बनता है, सिर्फ राम ही रावण बनता है तमो प्रधान, या हर आत्मा पहले सतो प्रधान और बाद में तमो प्रधान बनती है? है, हर आत्मा बनती है, कोई आत्मा पहले ही तमो प्रधान बनना शुरू हो जाती है। जैसे द्वापर युग के शुरुआत में इब्राहिम आता है या महात्मा बुद्ध आते हैं और बौद्ध धर्म का जो आधार मूर्त नारायण है, तीसरा सिद्धार्थ, उसमें प्रवेश करते हैं। समझा? अरे, प्रवेश करते हैं कि नहीं? अरे हाँ, तो क्या रिजल्ट हुआ? आप पूछ रहे थे, उसका जवाब दे दिया क्या? है? हाँ, जिसमें प्रवेश किया वो कमजोर आत्मा हुई ना, वो कमजोर आत्मा की जो कमजोरी है वो ऊपर वाली आत्मा ने कैच कर ली और प्रवेश करके उसको फिर आप समान बनाता है।
और ओम शांति।